एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा 5.3। जैसा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका एक क्लास पहले भी हो चुका है। जो पिछले क्लास जो हम लोग मैथ का पढ़े थे वो आपका 5.3 का पहला क्वेश्चन था। जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देखिएगा, और यह क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है इसमें, इसलिए आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि यहाँ पे जो भी आपको समझाई जाएगी बताई जाएगी वो पूरा पूरा आप उसको समझ सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज जो सीखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करें। जो योग दिया गया, जोड़ जो दिया गया, उसे हमें निकालना। बिल्कुल आसान है, वेरी सिंपल है। हर एक क्वेश्चन को हम बताएंगे, बहुत ही आसानी से बताएंगे, आप सबको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। आपका देख सकते हैं 7, उसके बाद प्लस में आपका 10.5, इसको कहेंगे 10 पूर्णांक 1/2। फिर प्लस में दिया है कितना, 14 है, फिर प्लस है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस दिया है, फिर दिया आपका 84। इसका अर्थ समझिए सबसे पहले कि करना क्या है। सबको जोड़ना है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा तो 3.5 बढ़ रहा है। देखिएगा यहाँ पे 7 के बाद हो गया 10.5, कितना बढ़ा, 3.5। 10.5 के बाद हो गया 14, कितना बढ़ा, 3.5। फिर 14 में 3.5 बढ़ेगा तो आएगा 17.5। फिर आ जाएगा कितना आपका, जो आगे हो बढ़ता जाएगा। इस तरह से 84 तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचना है, 84 तक। सबको फिर ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही कहा है हमको निकालने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि 7 से लेकर 84 तक पहुंचने में कितना अंक होगा। जैसे पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे अंक आएंगे बीच में, क्योंकि डॉट डॉट है, और फिर आएगा आपका 84। कितने अंक होंगे सबसे पहले वो हम मालूम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, उससे पहले देखिए ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू होगा 7, जो पहला होता है उसको ए कहते हैं। उसके बाद डी का जो वैल्यू निकालिएगा, तो डी का जो वैल्यू निकलता है वो दूसरा में से पहला को माइनस करके, या तीसरा में से दूसरा को माइनस करके, जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, बात वही पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए हम माइनस करके दिखाते हैं। 10.1/2 में से, यानी कि इसमें से किसको माइनस करना, 7 को माइनस करना है। इसको ठीक करना पड़ेगा, पूर्णांक को सीधा करना पड़ेगा। 2 को 10 से गुणा कर देंगे, 20 ऊपर वाला ऐड हो जाता है, 21/2 कितना होगा आपका, 21/2 माइनस कितना है, 7, तो बटा हुआ कुछ हो जाएगा 1। भिन्न यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 21 - 40 यानी क्या हो जाएगा, 7/2 कितना हो गया आपका, 7/2 मतलब होता है 3.5। कितना होता, 7 रुपया को 2 जगह अगर बांटिएगा, हिस्सा कितना आएगा आपका, 3.5 रुपया आएगा। क्लियर रखना, डी का वैल्यू समझ में आ गया कितना आया, 7/2 आया। आप चाहते तो डायरेक्ट भी यहाँ पर 7/2 लिख सकते थे, या 3.5 भी आप लिख सकते हैं, बात आपका वही रहेगा। चलिए इतना क्लियर है, तो क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो आपका 84 जो है ये है का, तो 84 आपका अंतिम पद है, लास्ट में आने वाली संख्या क्या आपका 84, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आखिरी वाले कहते हैं इनवा पद। क्या बोलते हैं, इनवा पद, यानी कि an का वैल्यू कितना आपका 84, n 84 है, तो आपको निकालना है n का वैल्यू 7 से लेके 84 तक में कितने अंक होंगे वो निकालना है, यानी कि n का वैल्यू। और जब n का वैल्यू निकल जाएगा तो निकालना आपको sn का वैल्यू, यानी कि जितना होगा ना पदों उसका योग निकालना। यही दो चीज हमें करनी है इस सवाल में। इतना क्लियर है सबको, चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले n का वैल्यू मालूम करेंगे, क्योंकि जब तक n का वैल्यू मालूम नहीं होगा आप sn निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहां तो बोला गया है जोड़ने के लिए,
ठीक है, जोड़ने के लिए बोला गया था, यानी कि मेन आंसर का होगा इसका होगा, लेकिन बिना इन का आपको ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इन का निकालेंगे मान, क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पे ए एन मालूम है आपको, देख सकते हैं AN84 है, AN का ही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और इससे हमें एन का वैल्यू निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल में क्या होता है आपका AN, ये फॉर्मूला आता है, या आप इस फॉर्मूला को AN बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, बात आपका वही पहुंचेगा। मान डाल लीजिए तो ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं, 7 है, 7 लिख लीजिए, प्लस एन का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, देख सकते हैं व्हाट का सिंबल है ना, बिल्कुल इजी है, तो एन का एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ निकाले थे कितना 7/2, इक्वल में ए एन का वैल्यू कितना आपका 84, सबका वैल्यू रख दिए, जिसका वैल्यू मालूम था ज्ञात था जिसका वैल्यू। अब यहां से आपको पता ही होगा 5.2 इसी पे आधारित है पूरा चैप्टर, है ना, पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है, 5.2 बिल्कुल इजी होगा, आप आराम से बहुत ही आसानी से एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले 7 cos पर भेजिए, इस रूप हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में 7/2, और ये आपका हो जाएगा 84, इस पर भेजेगा तो होगा माइनस में 7, क्योंकि ये प्लस में इसके साथ है, आगे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहां से दो काम हम एक साथ कर देते हैं, इसको हम उस पार भेजने वाले हैं, 7/2 को उस पार भेजेंगे और यहाँ माइनस भी कर देंगे, तो इस पर क्या बन जाएगा, n माइनस वन बन जाएगा इक्वल 84 में से 7 माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपका 77, कितना हो जाएगा आपका 77, इसको उस पर भेजिएगा ना, ये गुना में है तो क्या होगा, ये भाग में, देख लीजिए इधर 77 ये पहले से है, जैसे ये उस पर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड 7/2, चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और आपको बट्टा का गुना भाग आता होगा तो क्या कहते हैं उसे गुना, तो इसको पलट देते हैं तो ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, ठीक है, ये समझ में आएगा ना, ये भाग को गुना करेंगे पलट देंगे, देखिए तो इसको क्या लिखने वाले हम 2/7 क्या लिखने वाले हैं, ये वाले को, ठीक है, 7 से कट जाएगा 11 बार में, कितनी बार कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, तो आपका निकल के आ गया एन माइनस वन इक्वल में 11 × 22, तो आपका एन का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 23, एन का वैल्यू कितना आएगा आपका, वो 23 एन का वैल्यू निकल के यहाँ पे क्या हो गया, आ गया, क्लियर रखना, 1 जाएगा उस पर, प्लस में जाएगा 23, ठीक है रखना, चलिए इतना क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं योग, क्या निकालना, योग निकालना है, मतलब के सबको जोड़ने पे कितना होगा वो निकालना, 23 जो निकल के आया यहाँ पे, ये निकल के आया कि 7 से लेकर 84 तक में कितने अंक होंगे, 23 अंक होंगे, जब हम लोग 3.5 के अंतराल पे आगे की ओर बढ़ेंगे तो, ठीक है, चलिए तो अब निकाल लेते हैं SN, SN का दो फॉर्मूला होता है बाबू, एक पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला पर एन एस एन का एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन गुना में भी, एक होता है शॉर्ट फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला के लिए कंडीशन होता है कि जब आपको अंतिम पद मालूम होगा तो, जैसे अंतिम पद यहाँ पे मालूम है ना, देखिए तो अंतिम पद कितना 84 है, तब शॉर्ट फॉर्मूला, इसीलिए एस एन बराबर शॉर्ट फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस में एल, एल कहने का अर्थ हुआ ए एन, एल कहने का मतलब हुआ ए एन, ठीक है, ये वाला एल को हम लोग ए एन भी कहते हैं। अब सबका मान डाल दीजिए, देखिए एन और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 23, यानी कि हम कह सकते हैं 23 पदों का योग, कितने पद होंगे 23, और 23 टर्म का हम लोग यहाँ पे ऐड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू कितना होगा आपका 23/2 हो जाएगा, एन का वैल्यू 23 यहां से डाल दिए, और ए का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं 7 है, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस एल का वैल्यू मतलब ए एन का मान कितना है, एन का मान देख सकते हैं कितना 84, यानी कि ए एन और एल दोनों एक ही होता है, फॉर्मूला में एल लिखाता है, ठीक है 84। अब देखिए 23/2 इंटू, चूंकि यहाँ पे इंटू होता है,
दोनों का होगा पास में ऐड हो जाएगा, और ऐड कीजिएगा तो आपका कितना होगा ऐड होके 91, कितना हो जाएगा आपका 84 और 7 हो जाएगा 91। अब क्या करेंगे, अब 2 से भाग गुना क्या करेंगे, 2 से 2 से भाग कर देंगे, और या नहीं तो दोनों को गुना कर दीजिए और फिर 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2191 बटा में 2, कितना होगा आपका 2191, 2091 बटा में हो जाएगा आपका, सॉरी 3 हो गया, 3 है कहीं, 3 है ना, 3 होगा यहाँ पे, 2193 बटा में 2। इसको कर देते हैं हम पूर्णांक में, किसमें कर देते हैं पूर्णांक में, करने आता है भाग करेंगे भागफल को, किनारे में जो शेष आएगा उसको ऊपर जिससे भाग करते हैं बटा में, वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1046 पूर्णांक 1/2 यही निकल के आएगा आपका आंसर, यानी कि पूरा का जो आप चाहे, चूंकि इसलिए पूर्णांक में कर दिए हैं क्योंकि एपी भी किसमें था पूर्णांक में था, जाता तो वो दशमलव में भी लिख सकता था साढ़े दस, 10.5, तो हम भी आंसर किसमें कर देते हैं दशमलव में कर देते हैं, लेकिन एपी जब लिखा पूर्णांक में तो आंसर भी किसमें करेंगे हम पूर्णांक में करेंगे, है ना, हम किसी से कम नहीं, ठीक है, क्वेश्चन पूर्णांक में आंसर ही पूर्णांक में कर देंगे, दशमलव में होता है दशमलव में कर देते हैं। तो ये आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में सेम प्रोसेस सेम तरीका अपनाएंगे, अब बारी बारी से तीनों क्वेश्चन को हम बताएंगे और आप सीखिएगा, ठीक है, इसलिए पूरा देखिएगा क्लास के एंड तक, पूरा समझ में आएगा आपको, 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका एपी, ए का वैल्यू डी का वैल्यू निकाल लिए, अंतिम पद लिख लिए जो लास्ट में रहेगा, सबसे पहले टारगेट आपका रहेगा एन का मान निकालना, क्योंकि बिना एन का एस एन निकलेगा नहीं, देखिए एस एन माना ना एन, तो सबसे पहले एन का वैल्यू निकालना, तो ए निकलेगा कहां से, तो ए एन के फॉर्मूला से, देखिए ए एन का फॉर्मूला लगाए डाल दिए, एन का वैल्यू निकल के आ गया, जब आ जाएगा एस एन लगाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और जो क्लास में पहली बार आए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके, ठीक है, और जो दोस्त आपके नहीं होंगे क्लास में उनको शेयर भी कर देंगे लगातार, ठीक है, ताकि वो भी आ जाएंगे तो मजा आएगा आपको उसके साथ पढ़ाई करने में, ठीक है। अब देखते हैं अब इसका सेकेंड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन काफी बहुमूल्य है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक स्टडी पे ध्यान लगाएंगे, ठीक है, पूरा समझ में आएगा एकदम 100%, ठीक है, ऐसा लगेगा सर ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है वास्तव में, ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सेकेंड, इसके सेकेंड में कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, तो कहता है 34 32, ठीक है, 34 प्लस 32 प्लस 30, यहां दो दो माइनस हो रहा है, फिर कहता है प्लस डॉट 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 प्लस 10, ठीक है, तक हमें योग निकालना है, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, आंसर तो किसमें आने वाला देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 34 को जोड़ेंगे, 32 को जोड़ेंगे, 30 को जोड़ेंगे, फिर 28 जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे, 20 जो 22 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते हुए कहां तक पहुंचेंगे 10 तक लिखेंगे, और सबको आपस में जोड़िएगा तो कितना आएगा, यही तो हमसे पूछा गया, वेरी सिंपल है कि नहीं है, आप 34 32 30 28 26 24 22 18 20 18 16 14 12 और 10 सबको लिख लीजिए और जोड़िए, और यहां पे बनाते हैं वो दोनों का आंसर एक जैसा आएगा, एक ही अंक आएगा, बिल्कुल इजी है, देखें यहां भी हम निकालेंगे ए पहला पद बंदे तो कितना 34 है, 34 निकालेंगे, डी जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं सार्व अंतर, तो कैसे निकलता है ये, दूसरा में से पहला को माइनस कर दीजिए, या आप तीसरा में से दूसरा को, एक बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता, तो 32 में से आप 34 को घटाइएगा आएगा आपका माइनस में 2, इतना तो सबको समझ में आता है ना, 32 रुपये लेके जाएंगे मार्केट और 34 का सामान खरीद लेंगे, क्या होगा 2 रुपया कर्ज हो जाएगा दुकानदार का मेरे पास, है ना, 2 रुपया हो गया माइनस 2 हो जाएगा,
उसके बाद ये क्या आपका अंतिम पद है जिसको हम लोग इनवा पद करेंगे। क्या बनेंगे? इनवा पद। इन मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, अंतिम में कोई भी है। तो हमें निकालना क्या है, एस एन। क्या निकालना? एस एन निकालना है, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। योग निकालना है ना, ऐड। तो ऐड निकालने के लिए पता ही है आपको कि एन जब तक नहीं मालूम हो एन का मान, तब तक एस एन नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एन निकालने की कोशिश करेंगे। एन किससे निकलेगा? इसी से निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में बी और इक्वल में क्या होता है आपका एन। या आप इसको, हम बार बार बता रहे हैं, इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। हम ऐसा तभी लिखते हैं जब एन का मान मालूम होता है, तब एन को बाद में लिखते हैं, और जब एन निकालना होता तो एन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर मान डालिए, ए का वैल्यू कितना, 34, लिख लीजिए 34 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम एन माइनस वन, और बी का वैल्यू मालूम है कितना, माइनस टू, इक्वल एन कितना आपका, 10 है। अब क्या करेंगे, हम 34 को उस पर भेजेंगे, स्वाभाविक बात है, चूंकि इतना मल्टीप्लाई में है तो ये वाला जाएगा उस पार। तो ये आपका हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में माइनस टू इक्वल में 10 पहले से है, ये जाकर 34 उस पार, तो होगा माइनस में 34, चूंकि ये पहले से है प्लस में 34, उस पर जाके हो जाएगा माइनस में 34। अब इसको कर देंगे बराबर के उस पार, तो एन माइनस वन इक्वल पहले माइनस कीजिएगा तो माइनस में 24 आ गया, 10 में से 34 घटा देंगे, 34 रुपया कर्ज है, 10 10 रुपया ले जाके दे देंगे उसको, क्या होगा, 10 24 रुपया बच जाएगा कर्ज, कर्ज ना बचेगा, ये आपका जाएगा बराबर के उस पार। देखिए गुना में इसके साथ है, तो इस पर क्या होगा, इसके साथ आके बट्टा में हो जाएगा, ये मतलब भाग में हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये भी कट जाएगा कितनी बार में, 12 बार में, है ना। तो ये एन माइनस वन इक्वल माइनस 12, तो एन इक्वल में जाएगा आपका 13। कैसे 13 हुआ, ये वन जाएगा बराबर के उस पार, तो यहां माइनस में है तो क्या होगा, उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, 12 और वन मिलकर कितना होता, 13 होता, ठीक है, 13 हो गया। ये निकल के क्या आ गया आपका, एन का वैल्यू। जब एन का वैल्यू निकल जाती है तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं एस एन का वैल्यू, चाहे आप फॉर्मूला जो लगाना हो लगा सकते हैं, लॉन्ग वाला भी या शॉर्ट वाला भी। कंडीशन है बाबू शॉर्ट वाले में, जब आपको अंतिम पद मालूम हो, जैसे अंतिम पद कितना है, 10 मालूम है ना, इसमें अंतिम पद मालूम रहेगा तभी आप शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन गुना में डी, ठीक है। यहाँ पे हमें मालूम है, शॉर्ट लगा देते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट ए प्लस में एल, यही होता है शॉर्ट फॉर्मूला। लॉन्ग फॉर्मूला की बात क्या, यहाँ लिख देते हैं एन एस एन बराबर एन बाई टू बड़ी बराई के 2a प्लस एन माइनस वन अगुना में डी। पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 को डील किए थे, सॉल्व किए थे, ठीक है। अब इसी शॉर्ट फॉर्मूला पे आपका निकल जाएगा मान, देखिए एस एन का वैल्यू कितना निकल गया, 13, यानी कि हम कह सकते हैं 34 से लेकर 10 तक पहुंचने में, कहां से कहां तक, 34 से लेकर 10 तक पहुंचने में 13 अंक आएंगे, कितने अंक आएंगे, 13 अंक आएंगे, जब दो दो कम होते हुए हम आएंगे, तो क्लियर रखना। तो 13 अंकों का योग निकालना, पहला पद हमें मालूम भी है, अंतिम पद भी मालूम है, देखिए एन बाई टू एन का वैल्यू कितना है, 13 आया, 13/2 ब्रैकेट ए का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, 34 है ना, 34 लिख लीजिए आप, प्लस एल का वैल्यू कितना, ए एन अंतिम पद कितना, 10, क्लियर है। ए एन और एल दोनों का होता अंतिम पद को ही कही जाती है एल और ए एन भी, ठीक है। अब देखिए 13/2 इंटू, चूंकि यहाँ पे इंटू होता, दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 44, 34 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 44, आराम से 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, काट दीजिए, हो जाएगा आपका 22, 13/22 आप कर दीजिएगा, यहाँ पे आप कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका आंसर हो जाएगा 13 × 26, 6 × 2 बचेगा, 13 × 26 = 2, 28, 286, 286
इसका सही आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है ना, बहुत ही आसानी से बन गया। कुछ करना है कुछ नहीं करना, बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है और बहुत ही सीधा साधे अंदाज में हम भी इसको सॉल्व कर दिए और आपको भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो सब लोग बता देंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आता होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है ना। चलिए तो इसको हम कर देते हैं साफ, क्योंकि सब लोग तो नोटबुक लेके बैठे जरूर होंगे क्लास के एंड होते ही। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसका सबको नोट करेंगे आप अपने नोटबुक में। जो क्लास में देरी से आए होंगे वो क्लास के खत्म होने के बाद पीछे रिमाइंड करके देख लीजिएगा, जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन जो बता चुके हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा और सबको नोटबुक में भी नोट कीजिएगा, साथ में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, पूरा याद रहेगा, बिल्कुल आसान होता है मैथ। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर टू का आपका रहेगा। इसको भी कर लेते हैं साफ, क्या चलिए ये भी हो गया आपका साफ। तो क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब टू का थ्री नंबर है ना, थर्ड। देखिए क्या वहां भी इसी टाइप से क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, बोला गया -8 कितना, सॉरी -5 कितना, -5 प्लस -8। ठीक है, प्लस ऐड करना है बाबू, यहां भी -11 देख सकते हैं आप, -3 कम होता जा रहा है, प्लस है, फिर डॉट डॉट है, फिर प्लस है, यानी कि बीच में फिर अंक है -230। इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया। देखिएगा 3 कम होता हुआ जा रहा है, कितना कम होता जा रहा है, 3। ये तो आप कीजिए तो बहुत लंबा चला जाएगा, 3 कम हो रहा है, -8, -8 में 3 कम आ, -11, -11 में 3 कमेगा, -14, इस तरह से कर देगा, -230 तक जाएगा। आ फिर सबको ऐड करेंगे जोड़ेंगे बाबू, इस क्वेश्चन को अगर लिखोगे 3 कम करते हुए 2 पेज लगेगा कम से कम। ठीक है, 3 कम करते हुए जाओ -230 तक पहले पहुंचो और फिर सबको आपस में जोड़ो, कहीं पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आंसर गलत। अभी देखिए बहुत ही आसानी से आपको हम बता देंगे और आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, जैसे इससे पहले क्वेश्चन बनाया ठीक उसी तरह से बनाएंगे। देखिएगा सिर्फ ध्यान से, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना, आप कहेंगे सर ये भी आपको पूछने की बात नहीं है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ए का वैल्यू कितना -5 है कि नहीं क्लियर। हम कहेंगे बाबू बताओ डी का वैल्यू कितना, आप कहेंगे दूसरा में से पहला घटा लीजिए, बिल्कुल दूसरा कितना आपका -8, दूसरा कितना आपका, देखिए अंक आपका ये है जोड़ना, इसीलिए ये ऐड का हिसाब दिया गया, -8 में से किसको घटाना है तो -5 को, देखिए घटाना है ये, आप किसको घटाना है तो -5 को माइनस करना, क्लियर इतना। अब यहाँ पर डबल माइनस आने का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, डबल माइनस आया कहाँ से, माइनस करना है उसका ये वाला माइनस, अब किसको माइनस करना है तो -5 को करना, तो -5। अब यहाँ पे क्या होगा आपका -8, माइनस हो जाएगा +5, और यहाँ जब इसको माइनस की जाता हो जाएगा कितना, -3 कितना होगा, कितना यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्लियर इतना। तो अब क्या करते हैं यहाँ से कि हम डी का वैल्यू निकलेगा कितना, निकला -3 निकला। अब यहां देखिएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका अंतिम पद an, कितना है वो -230 है, और ये जो प्लस दिख रहा है ऐड करने के लिए बोला है वो, और निकालने को बोला वही बात an का वैल्यू, किसका वैल्यू बोला, an का वैल्यू बोला निकालने के लिए। चलिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, किसका फॉर्मूला, an का फॉर्मूला लगाएंगे और सबसे पहले निकालेंगे n का मान। देखिए यहां पे चूंकि कहा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल में कहा था आपका ए एन है ना, सबको फॉर्मूला याद होगा सबका, इसका बहुत ही इजी फॉर्मूला है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना, देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना, -5, -5 कर लेते हैं, प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है, एन माइनस वन तो एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना, देख सकते हैं डी का वैल्यू कितना निकल गया, -3, क्योंकि 3 कम होता जा रहा है ना, तो डी का वैल्यू आया -3 दिखाई पड़ रहा होगा, और ए एन का वैल्यू कितना, -230। सबका वैल्यू रख दिए,
आपको पता ही है कि अब कौन जाएगा उस पार, ये जाएगा सबसे पहले उस पार, क्योंकि ये बाद में जाता है, पहले ए का वैल्यू जाता है उस पार। तो चलिए देखिए, एन माइनस वन इंटू में आपका रहेगा ये वाला माइनस थ्री इक्वल में माइनस टू थ्री जीरो है ना, 230, ये जाएगा उस पार, तो क्या माइनस में फाइव है, इस पर आके हो जाएगा आपका प्लस में फाइव। क्लियर है इतना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए एन माइनस वन, अब क्या करेंगे यहां से, थ्री को भी उस पार करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका दो पांच में से 230 माइनस कीजिएगा तो माइनस में 225 आएगा, ठीक है, कितना आएगा माइनस में आपका जाएगा 225, ठीक है, आइए हो जाएगा आपका माइनस में थ्री। पांच में से यानी कि 230 में से आप पांच को कम कर दीजिएगा तो आगे लगाइएगा माइनस का निशान, 5 रुपया पॉकेट में, 230 रुपया कर्ज है, 5 रुपया दे दीजिए, 225 रुपया बच जाएगा। ये -3 गुना में था उधर के भाग में, इससे एक कट जाएगा। और एन माइनस वन इक्वल में 3 से डिवाइड कीजिए, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 आएगा, कितना आएगा 75। इसके बाद एन का वैल्यू निकालिएगा अगर आप, तो 1 को कीजिएगा उस पार, जैसे आप 1 को कीजिएगा उस पार तो एन इक्वल में 75 अब प्लस हो जाएगा आपका 1, एन बराबर 76, कितना आ गया 76। क्लियर, 76 कैसे आ गया, ये जाएगा आपका उस पार तो क्या हो जाएगा आपका 75 अब प्लस में 1 यानी 76 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे एसएन का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालेंगे, एसएन का वैल्यू पता ही है फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूला को लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस में क्या होता है आपका ए, यह होता है इसका फॉर्मूला। अब मान डाल दीजिए, एन का वैल्यू दिख ही रहा 76, ए का वैल्यू ये भी दिख रहा कितना माइनस फाइव, और एन का वैल्यू यानी कि एन का वैल्यू ये भी दिख रहा माइनस में 230 यहां लिखा हुआ, और उसको कैलकुलेशन करेंगे और आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, घबराइएगा नहीं, ध्यान से सिर्फ देखिएगा बिल्कुल समझ में आएगा। एन का वैल्यू 76 बाई टू, ए का वैल्यू माइनस फाइव प्लस, और एल का वैल्यू कितना माइनस में 230, ऐसे लिखेगा माइनस में 230, इसको एक और माइनस में कर ले, ब्रैकेट कर लेता चूंकि डबल चिन्ह आ गया। यहाँ पे 76 जो है ना 2 से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर दीजिएगा, इससे पहले डिवाइड नहीं हो पा रहा था, नहीं किए थे, यहाँ एन का वैल्यू आ रहा है कटने वाला, काट दीजिए 2 किया 6 2 8 16 कितना आएगा 38 हो जाएगा 2 से डिवाइड होके 76। क्लियर ना, इसको देखिए माइनस फाइव, ये प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आपका माइनस आ जाएगा माइनस में 230, ठीक है 230 कितना होगा माइनस में, कितना है माइनस में 230। अब देखिए 38 गुना में दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका क्या माइनस में है, दोनों माइनस में है तो ऐड कीजिएगा तो कितना होगा माइनस में 235, कितना है आपका माइनस में 235। अब कर लेते हैं दोनों को गुना, 38 को माइनस 235 से कर लीजिए गुना, तो माइनस से रह जाएगा, 235 में 38 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 89,930, गुना कर लीजिए आप 8,930 आएगा, ठीक है, और आगे क्या लगा देना तो माइनस, यही हो जाएगा आपका कितना होगा 8,930, ठीक है। यहाँ ज्यादा कीजिए तो आप लिख सकते हैं एस 76, ठीक है, 76 पदों का योग, कहे ना आपको शुरू में इसको लिखोगे तो 2 पेज लगेगा, यानी कि 76 अंक आपको लिखना पड़ेगा, कितना अंक लिखना पड़ेगा 76 अंक, 76 अंक लिखना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा, बहुत लंबा तामझाम जिसको कह सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल आसानी से आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे प्लस में और यहाँ लिखा रहे प्लस में रहेगा तो देखिए ध्यान से देखिए, प्लस में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही था, अंतिम में प्लस नहीं था, वहां पे डॉट डॉट करके कह रहा था 12 पदों तक, यानी कि 12 नंबर तक, ठीक है, तो वहां पे एन का वैल्यू था 12, तो 12 का था एन का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस ना देके लिखा रहता 230 पदों तक,
यानी कि 230 अंक तक, तो ये अलग प्रोसेस से बन जाता है, यहाँ पे एसएन का वैल्यू नहीं होता, क्लियर, एक बार में डायरेक्ट बन जाता। तो यहाँ अंतिम पद है, लास्ट में ये नंबर आता है, तो एन का वैल्यू निकालेंगे, और जब एन का वैल्यू निकल जाएगा तो एसएन निकालेंगे, क्लियर। इतना क्लियर है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगले क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे उसमें भी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसीलिए आप लोग समय से क्लास में उपस्थित रहेंगे, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल में पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।